किचन में सबसे आखिर हम ही गए थे। क्या हम शीर खोरमा बना रहे थे और ये सब हमारी वजह से हुआ है? ये सब मेरी गलती है। आपने गैस तो बंद किया होगा ना? हमने गैस बंद किया था पर मुमकिन है ना किया हो, हमें कुछ याद नहीं है। जरूर की होगी, हमें शायद हमेशा गैस बंद करती है। She's very careful. पर सच ये है अजान कि रसोई में सबसे आखिर में हम गए थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। शाला झूठ बोलो तो कौवा खाओ। ये क्या हो गया बहू बेगम? या अल्लाह, नई बहू के हाथ तो गुनाह अजीम हो गया। इसकी गलती की वजह से दो दो लोगों की जान चली गई। लोग तो यही कहेंगे बहू बेगम कि नई बहू कितनी मलहूस है, आते ही दो दो लोगों को खा गई। तो राजा बेगम, अपनी ज़बान को लगाम दीजिए। हम तो घर के, आप कहेंगी तो अपनी ज़बान को लगाम भी दे देंगे और आप कहेंगी तो अपनी ज़बान काट कर फेंक भी देंगे। लेकिन लोगों का क्या? लोग तो यही कहेंगे कि बहू बेगम खूनी बहू ले आई। इसने तो नूर की जिंदगी ही बर्बाद कर दी बहू बेगम। उससे उसकी अम्मी और शौहर दोनों को छीन लिया। हाय, शायरा बेटा, ये तुमने क्या किया? तुम तो उसे अपनी बहन मानती थी ना। अच्छा फर्ज निभाया है तुमने बहन होने का। इससे तो अच्छा होता कि उसकी अम्मी और उसके शौहर के साथ साथ तुम उसे भी मार देती। चाची, गलती और गुनाह में फर्क होता है। जो हुआ वो गुनाह नहीं, गलती थी। और गलती फरिश्तों से भी होती है। लेकिन फरिश्तों की गलती की वजह से दो लोग जलकर कबाब नहीं बन जाते। सुरैया, खामोश रहिए, नूर सुन लेगी। झूठ बोलूं तो कौवा खाऊं। नूर का क्या, पूरे भोपाल को सुनने दीजिए हत्यारी बेगम की सच्चाई। शायरा, शायरा, कहाँ जा रही आप? अजान, चाची सही कह रही है, हमें नूर को सच बताना होगा। अजान, कैसा सच? शायरा, शायरा जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। कोई क्राइम नहीं किया आपने, आप कल्प्रिट नहीं है। इससे खुद को कसूरवार समझना बंद कीजिए। और शायरा, वैसे भी ये सही वक्त नहीं है नूर से बात करने का। सच वक्त का मोहताज नहीं होता अजान, हमें नूर को सच बताना ही होगा। शायरा, नूर, जो कुछ भी हुआ शायरा उसके से बता रहा हूं मैं। शायरा, हम ही सबसे बाद में किचन पे गए थे।
आपने गैस बंद किया था, पर मुमकिन ना किया हो, हमें कुछ याद नहीं है। लेकिन सच ये, हमें नहीं लगता हमारे पास कोई किचन में गया हो, और आप किचन से ही शुरू हुई है। अजान बाबा, अजान बाबा। क्या हुआ तेरे? वो लोग आए हैं। कौन आए? इंस्पेक्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ मिसेस शायरा अजान मिर्जा को यास्मीन कुरैशी एंड मिस्टर फैज हुसैन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए हैं। क्या कहा आपने? आप जानती भी आप क्या कह रही हैं? और किसने रिपोर्ट लिखवाई शायरा के खिलाफ? मैंने। तूने पुलिस को बुला? तू क्या कर रही है? तुझे पता तू ऐसा कैसे कर सकती है शायरा? ऐसा कैसे कर सकती? ये जानते हुए भी कि शायरा ने क्या किया है, तू मुझसे ही पूछ रहा है? मैंने सब सुन लिया था अजान। हमारी जांच से पता चला कि आग किचन से शुरू हुई थी। वैसे आखिरी बार किचन में कौन गया था? जो भी किचन में आखिर में गया था, शायद उसने गैस ना बंद किया हो और उसी वजह से आग लगी थी। सच ये है अजान कि रसोई में सबसे आखिर में हम गए थे। जलकर राख हुई यास्मीन बीबी, मुंह काला होगा शायरा बेगम का और बर्बादी होगी रजिया की। झूठ बोलो तो कौवा खाओ। नई बहू के हाथ तो गुनाह ही अजीम हो गया। इसकी गलती की वजह से दो दो लोगों की जान चली गई। नूरी, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार शायरा है। तेरी शायरा ने मेरी अम्मी का कत्ल किया है। नूर, हम आपके गुनहगार हैं। तो जानबूझ के कुछ नहीं किया। ये आंसू, ये माफी ना मेरी अम्मी को वापस ला सकती है, ना मेरे मंगेतर को, और ना ही मेरी खुशियां। मिसेस शायरा अजान अख्तर मिर्जा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक मिनट।
मेरी बात सुन, तू अभी गुस्से में कोई भी ऐसा फैसला मत ले जिससे आगे जाके तुझे खुद अफसोस करना पड़े। मेरे अम्मी के कातिल को सजा मिलेगी ना तो मुझे अफसोस नहीं खुशी होगी। इंस्पेक्टर ले जाइए इस खूनी को। नूर, नूर बेटा, नूर मत जाओ, ये गलत है। जब तक मैं वापस नहीं आता आप में से कोई शायरा को हाथ तक नहीं लगाएगा। ये हथकड़ी क्यों निकाल रही हैं आप? मुजरिम को हथकड़ी लगा के ही ले जाया जाता है बेगम साहिबा। हमारी बहू को हथकड़ी नहीं लगेगी। आप कानून को चैलेंज कर रही हैं बेगम साहिबा? जी नहीं, हम दरख्वास्त कर रहे हैं। मान लीजिए, वरना ये बात दरख्वास्त से जिद पे आ जाएगी। बेगम साहिबा, आप तो खुद ही अपने इंसाफ के लिए जानी जाती हैं। आप खुद ही बताइए कि जिस लड़की पर दो दो मर्डर का इल्जाम लगाया गया हो, हम उसके साथ रियायत कैसे कर सकते हैं? नाप तोल क्या कर रही हैं? जितने की बात हुई थी उससे कहीं ज्यादा है। ये तो आपकी दरिया दिली है। नई बहू बेगम की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी। मेरे बेटी को घर से बाहर निकाला था ना, अब जेल की हवा खाई है नई बेगम साहिबा। नूर देख, दरवाजा खोल प्लीज। नूर एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज। नूर ओपन द डोर, डैम इट। नूर देख, तू जो भी कर रही है ना वो ठीक नहीं है। नूर, और जो तेरी लंदन वाली ने किया वो ठीक था? नूर, वो एक हादसा था। देख नूर, तू जानती है कि शायरा कातिल नहीं है। मैं जानता हूं तू गुस्से में है, पर तुझे समझ नहीं आ रहा कि तू क्या कह रही है। पर तू एक बार
एक बार दरवाजा खोल के मैं एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज दूरी प्लीज इन लोगों को रोक दे कि ये शायरा को ले जा रहे हैं नूर। क्या कर रहे हैं अम्मी रोकिए इन्हें। चलिए अम्मी अम्मी कुछ कीजिए अम्मी अम्मी चलिए अम्मी। तू मेरी बात नहीं मानेगी। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ मैं मानता हूं कि शायरा से गलती हुई है लेकिन गलती होती अगर उसने दुपट्टा जला दिया होता। लेकिन उसने तो 3 जिंदगियां जला दी अजान मेरी अम्मी की वैस की और मेरी। नहीं नूरी तू ठीक नहीं कर रही। तू शायरा को उस गुनाह की सजा दे रही है जो उसने किया ही नहीं। तू देखना एक बार तेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो तू खुद उससे नजरें नहीं मिला पाएगी। नूरी तू दरवाजा खोल चल मेरे साथ और बस एक बार अपनी कंप्लेंट वापस ले। मैं तेरा अजान तुझसे प्रॉमिस करता हूँ कि तू एक बार कंप्लेंट वापस ले लेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? मेरी अम्मी वापस आ जाएगी। नूर तू समझ क्यों नहीं रही है? नूर तू क्यों बच्चे की तरह जिद पकड़ के बैठी है? नूर वो शायरा को जेल लेकर जा रहे एक इस कमरे को यहाँ जल के मरी है मेरी अम्मी। मेरी तो अम्मी दुनिया छोड़ कर चली गई है जान। लेकिन तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तू तो सिर्फ इसलिए तड़प रहा है क्योंकि शायरा घर छोड़ कर जा रही है। तू जानती है सारी है। मुझे ना गुरूर था कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं गलत थी। दोस्ती चाहे जितनी भी पुरानी हो चाहे कितनी गहरी हो लेकिन वो तो प्यार के सामने हार ही जाती है ना। जा आप पता कीजिए।
जब हम नहीं रहेंगे तो आप हमारे नूर का ध्यान रखेंगे। हम वादा करते हैं। दुनिया अंदर की उधर हो जाए, आप हमेशा उसके साथ खड़ी रहेंगी। चल तेरी शायरा ने मेरी अम्मी का कत्ल किया है। नई बहू के हाथों गुनाह अजीम हो गया। इसकी गलती की वजह से दो दो लोगों की जान चली गई। आपसे गैस कैसे ऑन रह गई? क्या अब तो आपका ये गुनाह कबूल है?